डियर स्टूडेंट्स, आई एम ए कांग्रेस मान मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी। आज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज का जो लेक्चर है वो एमएससी फाइनल जूलॉजी के छात्रों के लिए है, जिसके अंतर्गत हम मेटामॉर्फोसिस इन एम्फीबियंस का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मेटामॉर्फोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बुढ़िया अवस्था से वयस्क अवस्था में जो परिवर्तन या जो चेंजिंग है वो ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन के आधार पर उसको वयस्क में बदला जा सकता है। लार्वल से एडल्ट स्टेज में चेंजिंग, चाहे वो मॉर्फोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस, फिजियोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस एंड बिहेवियर चेंज के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। मेटामॉर्फोसिस एक ऐसी फिनोमेना है जिसमें बहुत सारी सेल बदलती है, तो वो मेटामॉर्फोसिस कहलाते हैं। इन वर्टिब्रेट में मेटामॉर्फोसिस की जो क्रिया है, वर्टिब्रेट में जो मेटामॉर्फोसिस की क्रिया होती है वो आयोडो थायरोनिन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। इसके द्वारा आयोडो थायरोनिन हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है, और ये कुछ एनिमल्स में, यानी कि जिन जंतुओं में जो मेटामॉर्फोसिस क्रिया होती है वो मेटामॉर्फोस कहलाती है। वर्टिब्रेट में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया बहुत कम पाई जाती है, लेकिन एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया बहुत अधिक है। वर्टिब्रेट एम्फीबियंस में मेटामॉर्फोसिस की क्रिया बहुत अधिक पाई जाती है। तो ये इसके मेटामॉर्फोसिस के इंट्रोडक्शन के बारे में था। अब इसकी जो मेटामॉर्फोसिस इंट्रो, एम्फीबियंस में जो मेटामॉर्फोसिस की जो प्रोसेस है, ये इनकी जो शुरुआत है, इनकी जो जीवन की जो पहली शुरुआत है वो एक्वेटिक है। तो ये एक्वेटिक लाइफ से 2-10 लाइफ की ओर आते हैं। एक्वेटिक तो इनकी ये शुरुआत जो कैसी है, एक्वेटिक तो ये जल में अंडे देते हैं। तो इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल्स के द्वारा होता है। तो इनमें जो रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है, जो गिल्स रेस्पिरेशन से किस में कन्वर्ट होते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डेवलप होते हैं। तो ये जो फ्रॉग का जो टैडपोल लार्वा है, कौन सा लार्वा, टैडपोल लार्वा ऐसा होता है जिसमें रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। ये एक्वेटिक प्लांट से भोजन ग्रहण करते हैं, और ये कैसे होते हैं, हर्बीवोरस। बाद में ये हर्बीवोरस से किस में बदल जाते हैं, कार्निवोरस में चेंज हो जाते हैं। तो ये इसमें एम्फीबियंस के भीतर जो इसकी एक्वेटिक लाइफ से पहले इसके लाइफ में जो चेंजिंग जो परिवर्तन होते हैं वो इसकी आकार की है परिवर्तन हो सकते हैं, मॉर्फोलॉजिकल मेटामॉर्फोसिस चेंज, और इसके बाद में फिजियोलॉजिकल चेंज, और थर्ड आपका बिहेवियर चेंज। इनमें एम्फीबियंस के भीतर इनमें चेंजिंग आती है। तो मॉर्फोलॉजिकल इसकी जो एम्फीबियंस की जो मॉर्फोलॉजिकल आकार की संरचना में जो परिवर्तन होते हैं, सबसे फर्स्ट है प्रोग्रेसिव चेंज ड्यूरिंग एम्फीबियंस मेटामॉर्फोसिस। तो ये जो लार्वा से एडल्ट बनने में जो प्रोग्रेस होती है, यानी कि जो इन अंगों का जो विकास होता है, जो प्रोग्रेस होती है, तो उसको अपन प्रोग्रेसिव चेंज या प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। तो इसमें एक है, जैसे
जब ये टैडपोड होता है तो ये कैसे हो जाते हैं, तो छोटे छोटे एनिमल्स को ये क्या करते हैं, हैंडल्स करना शुरू कर देते हैं। तो इसके बाद में इसमें टेल कीप्स और ग्रोइंग, यानी कि टेल्स क्या करती है, वृद्धि करती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। फिर इसके बाद में धीरे धीरे क्या होता है कि हिंड लेग्स, ये जो हिंड लेग्स हैं ये लार्ज साइज हो जाते हैं तथा ये शक्तिशाली हो जाते हैं। फिर ये जो फोर लिम्स होते हैं ये फोर लेग्स, ये अपर कुलम में बंद होते हैं। अपर कुलम में जब ये को ये को तोड़ कर ये फोर लिम्स फोर लेग्स का अपीयर हो जाते हैं, फोर लेग्स आ जाते हैं आपके पास। फिर इसके बाद में इसमें से टेल, जो टेल है वो क्या कैसे हो जाती है, शॉर्ट होती चली जाती है, और ऑटोलाइसिस क्रिया के द्वारा टेल क्या हो जाती है, डिजनरेट हो जाती है, डिसअपीयर हो जाती है। फिर ये क्रॉप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस है। तो प्रोग्रेसिव चेंज में सबसे फर्स्ट हिंड लेग्स अपीयर्स, फिर इसके बाद में जो फ्रंट लेग्स होते हैं अपर कुलम में बंद होते हैं उसको, ये अपर कुलम को तोड़कर बाद में उनका फॉर्मेशन होता है। मिडिल ईयर्स है और टिम्पेनम का डेवलपमेंट होना। आई जो मीडियल होती है तो वो लेटरल पोजिशन पर आ जाती है, और आई के ऊपर क्या होती है, निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स का डेवलपमेंट हो जाता है। निक्टेटिक मेम्ब्रेन्स ये एक प्रकार से प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये प्रोग्रेसिव चेंज होती है। इसके बाद में रेटेरोग्रेसिव चेंज वो होता है, ऐसा रेटेरोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, ऐसा मेटामॉर्फोसिस जिसमें लार्वा में कुछ चीजों का पाया जाना, लेकिन इन ऑर्गन्स का एडल्ट में कोई जरूरत नहीं होती है। तो लार्वा में पाए जाने वाले ऑर्गन्स का क्या होना, डिजनरेट या डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये रेटेरोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहलाती है। जैसे टेल का डिजनरेट, टेल का ऑटोलाइसिस की क्रिया के द्वारा डिजनरेट या डिसअपीयर हो जाते हैं। और हार्ली जब ले और हार्ली टीथ अपर कुलम भी चेंज हो जाते हैं। तो ये रेटेरोग्रेसिव चेंज या रेटेरोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस है। फिर इसके बाद में रीमॉडलिंग और एग्जिस्टिंग लार्वल स्ट्रक्चर, लार्वल की जो संरचना में जो जैसे कुछ उसमें जो परिवर्तन होता है, जैसे हार्ट ये थ्री चैम्बर्स में डेवलपमेंट हो जाता है, टू ऑर्गन्स एक वेंट्रिकल्स। इसके बाद में हार्ट और ये जो गिल्स रेस्पिरेशन से पल्मोनरी रेस्पिरेशन में डेवलपमेंट हो जाता है, और इसकी जो इंटेस्टाइन लार्ज साइज की होती है वो कैसी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इंटेस्टाइन। और तो इसमें ये इसके रिमॉडलिंग में ये परिवर्तन हो जाते हैं। इसके बाद में इसकी जो फिजियोलॉजिकल एंड बायोकेमिकल मेटामॉर्फिक चेंज, जो आंतरिक परिवर्तन होते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज में, जब इस लिवर के अंदर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म इंक्रीज हो जाता है, और दूसरा पैनक्रियाज में इंसुलिन का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये जो लार्वा कैसे होते हैं, लार्वा ये एम्ब्रियोटेलिक प्रकार के होते हैं, बाद में ये जो एडल्ट होते हैं यूरोटेलिक में चेंज हो जाते हैं, और एम्ब्रियोटेलिक और यूरोटेलिक में एडल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इसमें जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन भी लार्वा वो एडल्ट के समान हो जाता है। तो ये इसकी फिजियोलॉजिकल में परिवर्तन होते हैं। तीसरा इसकी जो बिहेवियर चेंज है, इसकी जो व्यवहार की में जो अंतर होता है वो है कि पहले ये एक्वाटिक लाइफ थी, बाद में ये टेरेस्ट्रियल लाइफ की ओर आते हैं, और ये हर्बीवोरस होते हैं, हर्बीवोरस के से ये कार्निवोरस में चेंज हो जाते हैं। दूसरा गिल्स से जो रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस में अपन देख सकते हैं, टाइगर सेलामेंडर के एक जो टल लार्वा में न्यूक्स के भीतर भी मेटामॉर्फोसिस क्रिया देख सकते हैं। तो ये मेटामॉर्फोसिस एम्फीबियंस के बारे में था। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखिएगा। थैंक यू वेरी मच।